हेलो एवरीवन माय नेम इज़ जिद्यमा भटनागर और आज हम हिस्ट्री का चैप्टर वन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ने वाले हैं चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है बट अगर आप इसको एक स्टोरी के वे में समझोगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी ठीक है ये जो वीडियो होने वाली है एक इंट्रोडक्टिव पार्ट होने वाली है कि मैं आपको पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दूंगी जिससे आगे आपको चैप्टर ईजी लगे समझने में तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा हिस्ट्री का वो देना चाहती हूँ इंट्रोडक्शन कि हम हिस्ट्री पढ़ कैसे रहे हैं देखिए सिक्स सेवन्थ और एट्थ तक हम जो हिस्ट्री पढ़ते आए हैं वो थी इंडिया की हिस्ट्री इंडियन कंट्रिक्स में हिस्ट्री पढ़ते आए हैं सिक्स में हमने क्या पढ़ी थी एशियन हिस्ट्री कि कैसे आ, हराप्पा सिविलाइजेशन आया क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं से तो एमर्ज हुआ होगा ना जो अपने भारत देश है जिसको हम हिंदुस्तान भी कहते हैं वो कहाँ से आया तो एक हराप्पा सिविलाइजेशन की हमने बात करी थी ठीक है फिर हमने सेवन्थ में पढ़ी थी मेडिवियल हिस्ट्री मेडिवियल हिस्ट्री क्या थी मेडिवियल हस्ट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था एम्पायर्स के बारे में कि कैसे एम्पायर्स आए मॉडर्न एम्पायर मुगल एम्पायर उन्होंने हमारे सिस्टम को कैसे चेंज करा ठीक है कैसे 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 पॉलिटिकल चेंजेस आए डेमोक्रेटिक uh, चेंजेस आए इकनॉमिक चेंजेस आए है हाँ ना एट में हमने पढ़ी थी मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में हमने कैसे पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने हमें कैसे कॉलोनाइज़ किया हम पे ऑपरेस किया हमें हम पे कब्जा किया दो साल तक और फिर कैसे हम उनसे अपने आप को डिकोलोनाइज करके ऐसा नेशन स्टेट एमर्ज हुए इंडिया कैसे एमर्ज हुआ है हाँ ना तो ये सब सिक्स सेवन्थ एथ तक हम आ, इंडियन की हिस्ट्री पढ़ते आए हैं अब जो नाइन्थ टेंथ की हिस्ट्री थी ना वो है वर्ल्ड के कंटेक्स में हिस्ट्री कि वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा था जब इंडिया के साथ ये सब हो रहा था इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या हो रहा था तो उस टाइम पे वर्ल्ड में क्या हो रहा था तो आप लोग तो सोचोगे कि हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री जानने की क्या ज़रूरत है बहुत ज़रूरत है क्योंकि देखो वर्ल्ड में आजकल कुछ भी होता है ना तो उसका इम्पैक्ट हमारे घर पर मतलब हमारे कंट्री पे होता है जैसे रशिया और यूक्रेन वॉर थी उसका इम्पैक्ट सिर्फ रशिया तक नहीं रहा ना ही यूक्रेन तक रहा उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ओवरऑल जो वर्ल्ड था उस पर रहा इंडिया पे भी रहा ऐसे ही पहले से भी होता आ रहा है तो हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री जाननी ज़रूरी है देखो तो अब हम आगे पढ़ेंगे नेशनलिज़म की ज़रूरत क्या पड़ी मतलब नेशनलिज़म का इम्पोर्टेंस क्या है हम नेशनलिज़म प... क्यों लाना पड़ा यूरोप में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई देखो पहले वर्ल्ड में जितने भी सिस्टम थे वो मोनार्किकल सिस्टम थे वर्ल्ड में मोनार्की थी अब मोनार्की क्या होती है मोनार्की होती है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक किंग या क्वीन रूल करे ठीक है किंग या क्वीन रूल करे ठीक है इसका मतलब ये कि वो जो ऑर्डर देगी कोई को, जो किंग ऑर्डर देगा कोई भी वो नया लॉ बनाएगा हमें बिना किसी क्वेश्चनिंग के उसको फॉलो करना पड़ेगा ठीक है हम उसके उसके ऑर्डर्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते हम ये नहीं कह सकते कि हम उसके ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे मतलब उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है ठीक है कि अगर किंग ने कहा कि ये करना है तो ये करना पड़ेगा प्लस यहाँ पर जो सिटीज़न्स होते हैं उसकी कॉमन आइडेंटिटी नहीं होती कॉमन आइडेंटिटी का मतलब देखो मैं ऐसे समझाती हूँ कि मानो कि तुम एक किंगडम हो जिसका नाम है एम रह के सिटीज़न हो और उसी के साइड में तुम्हारी नेबरिंग जो टेरिटरी है वो है ए ठीक है और वो तुमसे थोड़ी सी बड़ी है तुमसे मिलिट्री में भी स्ट्रॉग है और एरिया वाइज भी स्ट्रॉन्ग है तुम जब आज आ, आज सुबह उठे तो तुम्हें पता चला कि जो ए थी ए टेरिटरी उसने तुम पे अटैक कर दिया और तुम्हें कॉन्कर कर दिया अब जो पूरी जो टेरिटरी है वो ए के अंडर आ गई मतलब एम वाली जो टेरिटरी थी वो भी ए के अंदर आ गई मतलब तुम रातों रात तुम्हारी सिटीजनशिप चेंज हो गई कल तुम एम के कहलाते थे, थे आज तुम ए टेरेटरी के सिटीज़न कहलाने लगे मतलब तुम्हारी तो कॉमन आइडेंटिटी है ही नहीं मतलब तुम किसी देश के मतलब वो हो ही नहीं निवासी ही नहीं हो अगर आज तुमसे कोई पूछता है कि तुम कहाँ हो तुम कौन तुम बोलो कि आई एम इंडियन ठीक है लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ था ही नहीं तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं तुम किसको कहलाओगे कि मैं कौन हूं ठीक है तो इस तरह था तो इसी वजह से यहां पे नेशनलिज्म लाने की जरूरत पड़ी नेशनलिज्म आने के बाद क्या आया नेशनलिज्म आने के बाद आई डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक सिस्टम अब तुम बोलोगे डेमोक्रेसी क्या है डेमोक्रेसी तुम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते आए हो और हिस्ट्री में पढ़ते आए हो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम अपना लीडर खुद चुनेंगे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनेंगे चाहे वो वोटिंग से चुने या किसी और मैथड से चुने पर हम ऐसा लीडर चुनेंगे जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करे जो हमारी नीड्स को पूरा करे सोसाइटी का वेलफेयर करे इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस लाए जैसा हम चाहते हैं लॉज भी जो बनेंगे ना वो हमारे हिसाब से बनेंगे ठीक है तो डेमोक्रेसी आई तो नेशनलिज्म ऐसे आया तो देखो ये जो पेंटिंग है पेंटिंग के बारे में बता रखा है ये पेंटिंग बनाई थी फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 ये डेट याद रखना क्योंकि जो पूरा ये जो आ, ये वाला जो पैराग्राफ है ना और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये पेपर में आता है मैं इजी तरह से समझाऊंगी ये एक क्वेश्चन के तौर पे आता है मैं तुम्हें आसान से समझाऊंगी ठीक है तो लाइन बाई लाइन पढ़ते हैं इज़िली समझेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी तो देखो लाइन बाई लाइन पढ़ते है एटीन फोर्टी एट और फ्रेडरिक वन सेकेंड हाँ ज ऑफ फोर प्रिंट विजुलाइजिंग वर्ल्ड मेड अप ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ई कॉल्ड एम तो देखो इस पेंट, ये जो पेंटिंग है ऊपर इस पेंटिंग का नाम है ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइल एंड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक ड्रीम क्यों है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तो मनार की थी पर उनको क्या चाहिए था एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक की जिसमें हमारी मर्जी चले जिस तरह का हम चाहें वैसा सिस्टम हो तो ड्रीम था उनका तो उसी ड्रीम को लेकर ये पेंटिंग बनाई गई थी फ्रेडरिक रॉस उस टाइम तक रेवोल्यूशन आया नहीं था यूरोप में सिर्फ तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था ठीक है नेशनलिज्म जब आ, उससे आने से पहले का ड्रीम है ये कि वो चाहते थे कि ऐसा बने तो उस इसी पेंटिंग में उन्होंने अपनी जो वो चाहते हैं ना उसको दर्शाया ठीक है थीके? तो अब नेक्स्ट में लिखा है इन्होंने की वन सेकेंड हाँ द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ़ यूरोप एंड अमेरिका मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेज मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रिंग एंड ऑफरिंग होम एज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज द पास बाय तो देखो ये जो लोग हैं ना ये कहाँ के लोग हैं ये हैं अमेरिका के प्लस यूरोपियन uh, कंट्रीज़ के पीपल हैं यहाँ वहाँ के सिटीजन हैं तो ये ये देवी कौन है ये जो uh, स्टैचू है किसका ये शाचु है ये स्टैचू है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अभी कहाँ पे है न्यूयॉर्क में ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये न्यूयॉर्क में तो ये जैसे ही यहाँ से निकलते हैं इसके पास से निकलते हैं तो ये इसको श्रद्धांजलि देते हैं होमिश देते हैं क्यों तो देते हैं क्योंकि तो उनका मतलब एक तरह से ये दिखा रहे हैं कि हम ए, अब हम अ, मतलब ये ड्रीम है ना ये अभी हुआ नहीं है कि हम डेमोक्रेसी हमने पा ली है हमने अब, अब मोनार्की को ख़त्म कर दिया है तो ये होमेड देना उसको तो श्रद्धांजलि देने रहे स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कि लिबर्टी क्या है लिबर्टी मतलब फ्रीडम है हमें फ्रीडम मिल चुकी है ये ऐसा दिखा रहा है इस पूरी पेंटिंग में समझ आ रहा है धीरे धीरे समझना सब समझ आएगा ठीक है उसके बाद लिखा है नेक्स्ट लाइन थी ये हाँ रिकॉल आर्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवलूशन पॉजिंस लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर एज यू रिकोगनाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन द बी एस इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द रेजमे ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर तो देखो इसका मतलब क्या है इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन बना था तो तब भी उन लोगों ने यही दिखाया था जब उन्होंने रेवोल्यूशन हो गया था उन्होंने इंडिपेंडेंस पा ली थी तो उन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज दी थी तो सेम ऐसी Uh, यूरोप में भी हो रहा है यूरोप मैंने बताया ना यूरोप एक कॉन्टीनेंट है वो एक कंट्री नहीं है वो छोटे छोटे देश पाए जाते हैं जैसे फ्रांस हो गया इटली हो गया जर्मनी हो गया तो सबसे पहले जो यूरोप का जो फ्रेंच जो नेशनलिज्म था तो सबसे पहले कहाँ हुआ था फ्रांस में हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन उसके बाद धीरे धीरे वो पूरे यूरोप में हो गया तो इसमें हम यही पढ़ने वाले धीरे धीरे कैसे फ्र, फ्रांस पहले तो पहला तो हम पढ़ चुके हैं फ्रांस में कैसे हुआ है ना तो आगे कैसे होगा हम ये समझने वाले हैं तो देखो जो क्या बताया था हाँ इसकी जो राइट जो लेफ्ट हैंड है उसमें एक एनलाइट एनलाइटमेंट की स्टिक है ठीक है एनलाइटमेंट का मतलब होता है नॉलेज मतलब नॉलेज किसी तरह की नई नॉलेज जैसे गौतम बुद्धा ने स्पिरिचुअल नॉलेज दी थी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट दी थी कि आत्मज्ञान दिया था सेम ये जो एलाइटमेंट स्टिक है ये नॉलेज को दर्शा रही कि नई तरह की मतलब एक नई सोच समझिए ना न्यू आइडिया न्यू विजन और ये जो लेफ़्ट में है सॉरी जो इनके राइट में है वो है चार्टर ऑफ मैन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन अब तुम बोलोगे यहाँ पे मैन क्यों लिखा है क्योंकि तो उस टाइम पे वुमेन्स को ज़्यादा राइट्स नहीं थे तो इसलिए राइट्स ऑफ मैन है इतना समझ आया तो अब आगे पढ़ते हैं आगे है हाँ एज ए रिकॉर्ड हाँ इतना तो पढ़ लिया था हमने तो आगे हाँ ऑन द अर्थ इन द फोर ग्रैंड ऑफ द इमेज लाइक द शर्टर डिमीन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस नेशंस हाँ इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हें तीन मैं इसको पिक्चर को तीन में डिवाइड कर रखा रखने एक तो ये ऊपर एंजल्स हो गई बीच में लोग हो गए जो होमेज दे रहे हैं स्टेचू ऑफ लिबर्टी को और जब नीचे हो गया अपना शर्टर्स मतलब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो कि देखो यहाँ पे क्रोन पड़ा हुआ है मतलब राजा का जो मुखुट होता है तो इसका मतलब ये क्या है शैटर्स मतलब उधर उसके टूटे फूटे हिस्से कि मतलब इसमें दिखा चुका है कि इस पेंटिंग में दिखा दे कि मोनार्की खत्म हो चुकी है कि अब नहीं रही जब दिखा रखा है ना कि शैटर्स पड़े हुए हैं उधर कूड़ा पड़ा हुआ है किसका कूड़ा पड़ा हुआ है राज आ, मुखुटों का कूड़ा पड़ा हुआ है या सोना चांदी पड़ा हुआ मतलब इसे ये दिखाना चाह रहे हैं कि मोनार्की ख़त्म हो चुकी है ठीक है आज जो एप्सोल्यूटेज सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका है एप्सोल्यूटेज सिस्टम मतलब मैंने बताया था ना कि वो रूल जिसके अंदर कोई भी तुम आ, तुम अपने हिसाब से नहीं जी सकते वो सिस्टम वह ख़त्म हो चुका है ठीक है ये दिखाना चाह रहे हैं आगे पढ़ते हैं वन सेकेंड हाँ आगे था इन सॉल्यूज ऑटोपी ऑटोपियन विजन ऑटोपियन का मतलब क्या होता है पहले तो देखो ऑटोपियन का मतलब यहाँ पे दे रखा है ऑटोपियन का मतलब यहाँ पे दे रखा है अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल इट इज अनलाइकली टू एक्ट ऑटोपियन मतलब कि एक ऐसा विजन जो मतलब इम्पॉसिबल है कि इस टाइम में सोचना जैसे अगर हम सोचें साइंस के हिसाब से अगर कोई 200 साल पहले या 300 साल पहले सोचता कि हम आ, हमारे पास ऐसे ही हाथ में एक स्मार्टफोन होगा हम ऐसे घर पे बैठे बैठे पढ़ाई कर सकते हैं तो कोई भी अगर ये आदमी बात बोलता तो किसी को भी पागलों वाली बात लगती है ना कि इम्पॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता तो ऑटोपियन उस विज़न को कहते हैं जो अभी तो इम्पॉसिबल लग रहा है बट वो हो सकता है फ्यूचर में वो पॉसिबल हो तो सौ, ये सोरियोस का ऑटोपियन विजन था क्योंकि उस टाइम पे तो जिस टाइम पे उसने पेंटिंग बनाई थी उस टाइम पे तो इम्पॉसिबल लग रहा था कि हम मोनार्की को ख़त्म करके डेमोक्रेसी ला सकते हैं बट आज वो पॉसिबल हुआ ना तो ये सोरियोस का ऑटोपियन विजन है ठीक है इतना समझ आया फिर द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रोप्ड एज डिस्टिंग नेशंस आइडेंटिफाई थ्रू द फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम मतलब ये है कि अब यहाँ पहले तो लोगों की कोई कॉमन आइडेंटिटी थी नहीं लेकिन अब यहाँ पे उनके खुद के फ्लैग्स हैं उनके अपने खुद के फ्लैग्स हैं देखो ये आगे फ्रांस का है ये जर्मनी का है ठीक है ये पीछे और भी यूरोपियन फ्लैग आ रहे हैं लोग तो इनके खुद के कॉस्ट्यूम हैं प्लस इनके खुद के फ्लैग्स हैं मतलब ये अब अब इनकी ख़ुद की कॉमन आइडेंटिटी बन चुकी है वो एक डिस्टिंक्ट नेशन के नाम से जाने जा रहे हैं कि मतलब उनका खुद का एक नेशन है नेशन स्टेट्स हैं ठीक है आगे पढ़ते हैं लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड नेशंस एंड स्विट्जरलैंड विच बाई दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट ये देखो सबसे आगे जो मतलब जो यूनाइटेड नेशंस है ना यूनाइटेड नेशंस और मतलब इसके आगे लोकोवेल सेकंड हाँ इसके आगे वो यूनाइटेड नेशंस और स्विट्जरलैंड है चूंकि वो इस टाइम तक वो आज़ादी पा चुके थे इसमें ये बता रखा है 1848 में जब ये पेंटिंग बनाई गई थी ना उससे पहले ही अमेरिकन रेवोल्यूशन हो चुका था अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी प्लस स्विट्जरलैंड को भी इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी इतना समझ आ रहा है तुम्हें कि इससे पहले मतलब दो ऐसे देश थे जिनको इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी ठीक है आगे पढ़ते हैं फ्रांस फ्रांस बाय द द हैज़ स्टैचू शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक एंड रेड एंड गोल्ड फ्लैग हाँ वन सेकेंड तो देखो इस लाइन में बता रखा है कि जो फ्रांस है देखो ध्यान से देखो कि फ्रेंच, फ्रेंच फ्लैग है ये जो ब्लैक ब्लू ब्लैक रेड और वाइट में है ना तो ये स्टैचू के पार जा चुका है इसका मतलब क्या है क्योंकि इस टाइम तक, तक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था तो ये बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस वो पास कर चुके हैं स्टैचू ऑफ़ लिबर्टी को इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी आज़ादी uh, पा चुके हैं उसके पीछे जा रहा है जर्मनी जो गोल्डन और ब्लैक फ्लैग में है और उसके पीछे और भी कंट्रीज़ आ रही है मतलब ये बस जैसे जर्मनी है ये उस टाइम पे सोच रहा था कि हम नेशनलिज्म कैसे लाएं मतलब थ्योरीज़ दे रहे थे स्कॉलर्स अपने फ़िलासफर्स बता रहे थे कि हमें ऐसा करना चाहिए ऐसे मतलब ये बिल्कुल ही करीब है अगर तुम ध्यान से देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के करीब है मतलब ये एटीन तक एक नेशन स्टेट बन सकता था तो so, अब आगे देखो आगे लिखा है फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया किंगडम ऑफ द टू सीरीज लोम्बाडी पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड एंड हंगरी एंड रशिया इसका मतलब ये है कि अब ये जो ये जो ब्लैक और गोल्डन फ्लैग है इसके पीछे आप बाकी की कंट्रीज़ आ रही है रशिया हो गई है देखो पीछे रश रश्या, रशियन फ्लैग आ रहा है ऑस्ट्रिया हो गई हंगरी हो गई पोलैंड हो गया ये बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके जितने भी जितने भी यूरोपियन छोटे छोटे जो उस टाइम पे मोनार्की थी ये वो मांग कर रहे हैं कि हमें मोनार्की को ख़त्म करना है हमें एक नेशन स्टेट बन के एमर्ज होना है हमें एक ऐसा सेंट्रलाइज रूल चाहिए जो लोगों की सुने ना कि एक किंग की वो किंग की जो आ, किंग का जो, जो रूलर का जो लॉ है उसको खत्म करना चाहते हैं और एक एज सोवरेनिज़न स्टेट एमर्ज जो के आना चाहते हैं ठीक है अब नेक्स्ट लिखा है फ्रॉम द अबव फ्रॉम द हेवंस और अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स अपॉन द सीन अब मैंने जो बात करी थी ना कि मैं uh, तीन डिवाइड करूंगी इस पेंटिंग को तीन उसमें तो ये जो अपर पार्ट है ये रह गया अपर पार्ट में देखो ये सबसे बीच में कौन है जीसस क्राइस्ट उनके आसपास जितने भी एंजल्स हैं ये क्या कर रहे हैं आपके आसमान में ये इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि हाँ मतलब ये जो तुम्हारा uh, क्या बोलते हैं एक तरह का जो स्ट्रगल है स्ट्रगल फॉर अ नेशंस चाहिए ये सही है और ये आगे जाके कामयाब होगा तो इस पे उस टाइम के जितने भी आ, पेंटर्स थे ना वो रिलीजियस थे ठीक है जितने भी स्कॉलर्स और जितने भी फिलासफर थे वो रिलीजन में मानते थे और यूरोप में मोस्टली जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पर कौन सा जो रिलीजन है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंस में है वो है क्रिस्टानिटी तो इसलिए यहाँ पर जीसस क्राइस्ट को दिखाया गया और वो यहाँ पर इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि हाँ तुम जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो और आगे जाके तुम एक ऐसा नेशन स्टेट सारे एमर्ज हो क्या होगे इस तरह से ये जो अपना जो पेंटर है फ्रेडरिक सोरियो ये दिखाना जाता है अपनी पेंटिंग में ठीक है अब आगे चलते हैं लास्ट पैराग्राफ है उसके बाद मैं आपको इंट्रोडक्शन खत्म करूंगी ड्यूरिंग द नाइनटीन सेंचुरी नेशनलिज्म एमर्ज एज अ फोर्स विच ब्रॉट अबाउट सीकिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वॉर द एमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट नेशन स्टेट हाँ तो इसमें यह बताया गया है कि जब ये जिस स्ट्रगल कब स्टार्ट हुआ था नाइनटीन सेंचुरी में ठीक है नाइनटीन सेंचुरी के बिगनिंग में और, और मिडल में स्टार्ट हुआ था और इसका जो मेन वो फोकस क्या पूरा चैप्टर का जो नाम क्या नेशनलिज्म नेशन स्टेट मतलब जो पूरा जो इसका जो थीम है वो नेशन स्टेट के ऊपर है कि हमें कैसे इसमें देखो लास्ट में लिख भी रखा है लास्ट लाइन में के जो लास्ट लाइन मल्टी मल्टी नेशनल यूरोप मल्टी डायनेस्टिक क्या होता है कि देखो एक अगर एक एम्पायर है तो वो अपने एम्पायर को कभी भी कहीं भी बढ़ा सकता है कि मतलब तो उसका जो मन करेगा अगर रूलर ने कहा कि आज हम इस टेरिटरी पे हमला करेंगे इस पे अटैक करेंगे और इसको अपने 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 टेरिटरी के अंडर ले लेंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा रातों रात वो टेरिटरी उसके अंदर आ जाएगी जैसे मैंने बताया था ना कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के हैं उनकी कोई भी कॉमन आइडेंटिटी नहीं है उनका कोई कलेक्टिव आइडेंटर नहीं है मतलब वो कहीं आज यहाँ है कल वो यहाँ हो जाएंगे तो इसमें यही बताया गया तो ये जो मल्टी डायनेस्टिक नेचर था एम्पायर्स uh, का वो ख़त्म हो गया उन्होंने मोनार्की ख़त्म कर दी कि अब यहाँ पे मोनार्की नहीं रहेगी एक नेशन स्टेट रहेगा नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि हर आदमी की अपनी एक पहचान होगी एक आइडेंटिटी होगी और उससे वो आइडेंटिटी कोई नहीं छीन सकता ना ही कोई रूलर ना ही स्टेट क्योंकि स्टेट पर भी देखो आगे जाके तुम पढ़ोगे कि स्टेट uh, स्टेट के पास भी पावर होती है बट वो स्टेट की पावर लिमिटेड होती है कैसे क्योंकि आगे जाके हम मतलब पॉलिटिकल साइंस में जुडिशरी तुमने पड़ा होगा तो जुडिशरी का क्या है कि अगर हमारी जो स्टेट है अगर वो हमारी राइट्स को इनफ्ल करती है हमारी राइट्स को किसी तरह से कोई हानि पहुँचाती है तो हम कोर्ट जा सकते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे कि स्टेट ने हमारी ये राइट्स हमसे छीन ली हमारी बर्थ राइट छीन ली हमारी लीगल राइट्स छीन ली तो इस तरह से स्टेट की भी पावर लिमिटेड होती है अगर उसी तरह देखा जाए जो मोनार्की थी उसमें वो जो किंग था रूलर वो कुछ भी चाहे वो कर सकता था उसकी पावर लिमिटेड नहीं थी वो बोलते न किंग जो था वो भग आ, किंग के अंदर भगवान का वास होता है तो एक किंग एक तरह का इक्वल होता है गॉड के तो तुम गॉड के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते और जो गॉड कहेगा तुम्हें बिना क्वेश्चनिंग के उसका मानना पड़ेगा उसके लॉ को मानना पड़ेगा उसके रूल्स और रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा तो इसमें यही बताया गया कि कैसे एक नेशन स्टेट एमर्ज हुआ मोनार्की को ख़त्म करके अब इसमें एक ये जो पैराग्राफ है ये वाला पूरा पैराग्राफ इसके अंदर बता रखा है कि कैसे एक मॉडर्न स्टेट और नेशन स्टेट के बीच का डिफरेंस तो देखो मैं देखो ध्यान से समझाती हूँ देखो मॉडर्न स्टेट जो होता है मॉडर्न स्टेट मॉडर्न स्टेट क्या है पहले तो तुम मतलब मॉडर्न क्या है मॉडर्न क्या है मतलब मॉडर्न इन सेंस टेक्नोलॉजी के उसमें कि पहले हम लोग जो काम मैनुअल uh, उससे करते थे मतलब इंसान जो काम करता था वही काम अब मशीन कर रही है ठीक है मशीन कैसे कर रही है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है इंडस्ट्रियल uh, डेवलपमेंट हुआ है तो इसमें ये बताया गया है मॉडर्न स्टेट में कि देखो अभी भी जो स्टेट था वो मोनार्की में ही था अभी भी जो स्टेट है वो किंग ही मतलब टेरिटरी जो है वो किंग ही रूल कर रहा है ठीक है अभी भी किंग है लेकिन कुछ चेंजेस के साथ पहले जो किंग था वो ट्रेडिशनल वेज से रूल करता था आप देखो किसी भी स्टेट में मॉडर्नाइजेशन तो आ गई है टेक्नोलॉजी आ गई है लेकिन रूल अभी भी किंग ही कर रहा है ठीक है लेकिन अगर हम बात करें नेशन स्टेट की नेशन स्टेट में किंग का कोई रोल ही नहीं है मुनार की ख़त्म हो गई है और उसमें टेक्नोलॉजी भी है मतलब मतलब मैं ऐसा समझाती रुको कि देखो हर मॉडर्न स्टेट जो है एक सेकेंड हर मॉडर्न स्टेट जो है वो ने, आ, नेशन नहीं हो सकता कि अगर कोई है इसका मतलब ये नहीं कि वो नेशन नहीं हो सकता वो एक टेरिटरी हो लेकिन एक हर नेशन स्टेट एक मॉडर्न मॉडर्न स्टेट हो सकता है ठीक है इतना समझ आ गया कि इसमें मॉडर्न स्टेट का क्या डिफरेंस बताया देखो ऊपर ऊपर से एक बार दोबारा से समझा देती हूँ कि अगर क्लियर ना हो कि मॉडर्न स्टेट मतलब ये होता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की टेक्नोलॉजी ये सब आ चुकी है लेकिन इसमें ये कहीं नहीं कहा कि अगर कोई स्टेट मॉडर्न बन गया है तो उधर से मनार्की ख़त्म हो गई है वहाँ से जो किंग का रूल है वो खत्म हो गया ऐसा कहीं नहीं कहा लेकिन एक नेशन स्टेट में मॉडर्निटी आई हो या ना आई हो किंग का रोल ख़त्म हो चुका है अब वो एक स्टेट के एक एज अ सोवरिजिन स्टेट के जैसे एमर्ज हुआ है ठीक है समझ आ गया और इसमें एक लास्ट की लाइन है आ, हाँ कि ये जो दिस कॉमननेस डिड नॉट अब इसमें नेशन स्टेट के बारे में बता रखा है कि नेशन स्टेट जो था ना वो रातों रात एमर्ज नहीं हुआ था कि अगर देखो अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें इंडिया का एग्जांपल लें कि अगर हम इंडिया की बात करें इंडिया जब 200 साल 200 साल तक दो टू हंड्रेड ईयर्स तक जब ब्रिटिश ने हम पे कब्जा कर रखा था हमें कॉलोनाइज कर रखा था तो दो साल लगे थे हमें इससे पाप बाहर निकलने में ठीक है नाइनटीन में हमें इंडिपेंडेंस मिली लेकिन ये जो पूरा स्ट्रगल था ये इतने सालों का था हम 200 साल से कोशिश कर रहे थे कि हम इधर से बाहर निकलें तो ये रातों रात नहीं हुआ तो इसमें लिखा गया कि जो ये जो आ, स्ट्रगल होता है ये इम मेमोरियल नहीं होता कि हमने आज सुबह आज रात को सोचा कि कल हम लोग आज़ाद हो जाएंगे हम एक नेशन स्टेट जैसे बनेंगे मोनार्थी ख़त्म हो जाएगी ऐसे नहीं होता कि वो एक दिन में होता है या एक साल में होता है या दो तीन साल में होता है उसमें बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं मूवमेंट्स ऑफ स्ट्रगल हमारे कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स ने शहीद हो गए इस स्ट्रगल को करते करते तो ये जो होता है ये इमेमोरियल ये टाइम के साथ ये ये नहीं होता कि रातों रात सब कुछ हो गया इसमें लिख रखा है कि इट वॉज फोर्ज थ्रू स्ट्रगल थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल कि इसमें एक लीडर की भी मतलब इसमें लीडर की भी आ, एक एक एज अ लीडर की भी स्ट्रगल लगा है प्लस एज अ कॉमन पीपल का भी स्ट्रगल लगा है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस में था तो ये नहीं कि सिर्फ महात्मा गांधी स्ट्रगल कर रहे थे एक ऑर्डनरी पर्सन एक ऑर्डनरी सिटीजन भी उनके साथ था जो उनके साथ, साथ सत्याग्रह में पीछे चला था ठीक है लुक एट अ डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनिज्म केम इन टू यूरोप तो हाँ इसमें यही बताया गया कि ये जो आगे का चैप्टर है हम इसमें यही देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रगल्स हुए थे जो एज अ नेशन स्टेट एम, आ, एमर्ज करने में मदद कर मदद करी थी किस में नाइनटीन सेंचुरी के यूरोप में अब यहाँ पे एक सोर्स ए करके हमें दे रखा है एरस नंडन का वॉट इज अ नेशन ठीक है तो ये क्वेश्चन मतलब ये 2017 के बोर्ड में भी आया था व्हाट इज़ अ नेशन तो देखो व्हाट इज़ अ नेशन में ये जो एलेस जनरल है ये एक फ्रेंच फिलासफ़र है ठीक है इन्होंने ये बात कही है रेनन ने कि इन्होंने बोला है कि चलो ठीक है हम एक नेशन बनाना है इन लोगों ने सब ने डिसाइड कर लिया यूरोपियन कंट्री से कि हमें नेशन बनाना है बट नेशन किस बेस पर बनाओगे कि एक नेशन रिलीजन के बेस पर होगा कास्ट के बेस पर होगा या किसी और आ, हिस्ट्री के बेस पे होगा क्योंकि तुम्हें पता है यूरोप कितना बड़ा है उसके अंदर कितने सारे छोटे छोटे देश हैं सबकी अपनी हिस्ट्री है अपना कल्चर है अगर तुम फ्रें फ्रांस चले जाओ वहाँ के लोग फ्रेंच बोल रहे हैं इटली चले जाओ इटालियन बोल रहे हैं तो अब हाँ इटली इत, चले जाओ इटालियन बोल रहे हैं तो अब किस बेसिस पर तुम एक नेशन स्टेट बनाओगे है हाँ ना तो यही बात है तो उन्होंने ये बोला कि हाँ उन्होंने एक डेफिनेशन दी अ नेशन इज़ द कम्बिनेशन ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ एंड्रीवर्स सेक्रीफाइस एंड डिवोशन अगर हम एक नेशन की बात करें तो वो एक लॉन्ग पास्ट होता है जैसे मैंने बताया था वो इमेमोरियल नहीं होता वो एक लॉन्ग पास्ट होता है किसका लॉन्ग पास्ट मतलब वो बहुत टाइम से चलता आ रहा होता है क्या चल रहा होता है सेक्रीफाइस डिवोशन डिवोशन किसके लिए अपने कंट्री के लिए एक सेक्रीफाइस कि अगर आपके अंदर डिवोशन है आपके अंदर देश प्रेम है तो आप अपने आप सेक्रीफाइस दोगे है ना ये उसी के बारे में बात करिए तो उन्होंने यही बताया कि ये जो है ना ये एक नेशन जो नेशन एक नेशन है वो इन सारी चीज़ों का कल्बिनेशन होता है कि आप एक चीज़ के बेसिस पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं एमर्ज कर सकते आपको पूरी उनकी हिस्ट्री देखनी होगी कि पूरा एक लॉन्ग पास्ट ऑफ हिस्ट्री कि कैसे एक हिस्ट्री चलती आ रही है इंडिया की हिस्ट्री के बेसिस पे ही हमने एक नेशन स्टेट एमर्ज किया कि पहले हम क्या थे अब क्या है और मॉडर्न हिस्ट्री क्या थी मेडिवियल हिस्ट्री क्या थी तो इस बेसिस पर उन्होंने बता रखा है ये वैसे इतना पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट नहीं है ये जो आ, ये वाला जो पैराग्राफ था ना ये ये वाला और इससे पहले वाला हाँ इससे क्वेश्चन हमेशा आता है कि फ्रेडरिक सोलो की जो पेंटिंग है वो क्या कहना चाह रही है उसका क्या इंटरप्रिटेशन है ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आता है तो आप इस पर ध्यान देना तो बस आज के लिए इतना ही आ, ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी तो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी वैसे बड़ी हो चुकी है पर कोई बात नहीं मैं आपको कल यूनिट जो इसका वन है वहाँ से स्टार्ट कराऊँगी वन सेकेंड यूनिट वन से स्टार्ट कराऊँगी फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन आप वैसे नाइन्थ में पढ़ के आएँ बट इसका एक छोटा सा व्यू होगा कि आ, मतलब क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ऐसा आ, क्या इम्पैक्ट पड़ा कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म लाना पड़ा तो ये थोड़ा सा पार्ट होगा उसके बाद बाद में तो हम यूरोप के पूरी उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि पूरे यूरोप में कैसे नेशनलिज्म आया देखिए सेकेंड यूनिट यही है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें मैं आपको जवाब दूंगी नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी बोलिए कोई अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है कोई मिस्टेक है तो वो भी बताइए रिव्यू दीजिए अगर कोई भी आपको मतलब चेंजेस चाहिए कि आपको वीडियो मतलब ऐसे बुक फॉर्म में नहीं चाहिए कि मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ आपको अ नोट्स फॉर्म में चाहिए जिसकी आप स्क्रीन ले सकिए तो आप वो भी बता सकते हैं मेरे को थैंक यू